जोंक भी लगती है, तो देखते हैं किस पे कितनी जोंक लगती है। तो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीपुत्र। आई एम नितिन नेगी फ्रॉम बाबा केदार की वैली। और आज का व्लॉग हमारा बजीरा से बन रहा है। बजीरा में हमारे शूट का लास्ट दिन भी जा चुका है, ये उसका भी एक और दिन है जिसमें हम सब गराट जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं बजीरा की पता नहीं कौन सी धार में। तो यहाँ से बजीरा गांव देखो सामने पे पूरा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ सौरभ, मोनिका और ये आगे नितिन, स्वाति भर, तो हम सब जा रहे हैं घाट देखने के लिए जो बजीरा गांव का है। तो यहाँ थोड़ी बहुत धूप भी आने लग गई है और मौसम ऊपर से तो बादल आ रखे। तो गाइज यहाँ से होता है घना जंगल स्टार्ट, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ ना जोंक भी लगती है, तो देखते हैं किस पे कितनी जोंक लगती है। तो यहाँ पे घास काटने भी आ रखी है बजीरा गांव की सोनम, सोनम है ना, सोना बोलते हैं मेन। तो यहाँ पे मेड़ू भी लगे हुए हैं बहुत सारे, पहिया भी कच्चे हैं हमारे यहाँ। ये है मोल, मेल वे इनके पौड़ी में महल बोलते हैं, लेकिन हम मोल बोलते हैं। और इनके अंदर से काला काला टाइप का खाने के लिए होता है जब ये पकता है, और इस पे जैसे शराब की बदबू टाइप की आती है। अभी हम सीधे रास्ते पे आ गए हैं, अब पता नहीं आगे चढ़ाई होगी कि नहीं। पर यहाँ पर तो कैसा रुका है, तो इन रास्तों में ना बहुत सारी जोंक होंगी। ये है घिंगारू का पौधा और इस पे बहुत सारे घिंगारू लग रखे हैं। ये देखो आप इधर से सब जगह से देखो तो बहुत सारे घिंगारू लग रखे हैं इस पे। और लक्ष्मीपुत्रा खो गया था पर फिर से आ गया, इनको अपने चैनल से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इनका व्लॉग मैं बना रही हूँ सीनू नेगी अपना व्लॉग छोड़ के। हम पता नहीं कौन सी धार में पहुँच गए गाइस, और यहाँ से बजीरा गांव का नीचे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, मतलब जो रोड से नीचे है। और यहाँ पे आके ना बहुत तेज़ धूप निकल गई, और यहाँ पर ताइजी घास ले कर भी आ गई है। हाय करो, हाय करो ना। गाइस हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से सारा कुछ नीचे दिख रहा है। अब चढ़ाई हमारी ख़त्म हो चुकी है, तो अब हमें खाली नहर वाले रास्ते चलना है। और ये हमारी जो कैमरामैन थी इनका फेस मतलब बिल्कुल टमाटर जो कि 200 रुपये किलो है वैसा हो चुका है। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे ताइजी लोग घास काटने के लिए आ रखे हैं जंगल में। तो यहाँ पर ना यहाँ से आगे बहुत चिपला बाटा आ गया है, गढ़वाल में चिपला बोलते हैं। क्या देखो कितना पानी आ रहा है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, चिपलान वाला रास्ता आ गया है, और गढ़वाल में बोलते हैं चिपला वाला रास्ता। तो कोई सीधे नीचे रोड ना पहुँचे, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। तो अभी हम नहर के रास्ते जा रहे हैं, और यहाँ से ना ऐसे लग रहा है चक्कर आ रहे होंगे। हम बिल्कुल चैन बना के जा रहे हैं, आगे वाले डरते हैं बहुत, और हम दोनों सबसे पीछे हैं लक्ष्मीपुत्रा भी। यहाँ पे काफ़ी ठंडा भी है, तो ये देखिए आप बजीरा। तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत झरना निकल रहा है ऊपर से, ये देखो। और ताइजी घास लाते हुए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इधर साइड घास लेने को आ रखी हैं, तो रास्ते में मिलते जा रहे हैं हमें। नितिन अभी बहुत छोटा है इसलिए बच्चों जैसे हरकतें कर रहा है, यहाँ देखो इसे। तो रास्ता बिल्कुल ऐसा है फिसलन भरा हुआ। दोस्तों यहाँ पे हमें एक झरना और मिल गया है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखो कितना अच्छा झरना निकल रहा है। तो रुद्रप्रयाग में ना पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, पर यहाँ बजीरा गांव में देख सकते हैं आप हर जगह से पानी निकलना है। यहाँ पे देखो आप कितना मस्त निकल रहा है, तो ना बांस के पेड़ हैं बहुत सारे, तो उनसे बहुत ही ठंडी हवा निकली है। धूप भी है बहुत तेज वाली, पर बीच में पानी के धारे और ये बांस के पेड़ों की ठंडी हवा, तो मज़ा आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही। और यहाँ देखो हर जगह से आपको यहाँ पानी देखेगा, गाँव में भी और यहाँ जंगल में भी। देखो आप देखो ये कनारी जैसे तो लग नहीं रहा है, पर इस पे कांटे बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रखे हैं। तो मैंने ये वाला पौधा पहली बार देखा आज, क्योंकि हमारी साइड नहीं होता है ऐसा। तो दोस्तों अभी हम एक दो किलोमीटर आ गए होंगे, और इसीलिए सबकी रफ्तार थोड़ी धीमी होती जा रही है। तो इसको कहते हैं यकुलाबेर, और ये स्पेशल यूज़ होता है कि जो पहाड़ों में पूजाएँ होती हैं
उसमें ये काम में आता है यकलू बेर, तो आगे बढ़ो आप। तो दोस्तों यहाँ ना लोगों ने खेत भी कर रखे हैं इस जंगल में, यहाँ देखो आप। और ये लोगों ने खेत कर रखे हैं और उनके खेतों के हाल देखो कैसे हो गए हैं, यहाँ देखो पूरी फसल खराब हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे आधा रास्ता पूरा गायब हो चुका है, जिस वजह से ये देखो खेत भी पूरा ख़राब हो गया और खेत पे जो फसल होगी वो भी पूरी ख़राब हो चुकी है। तो चलो आगे चलते हैं। और ये यहाँ पे हमें मिल रहा तीसरा धारा जो कि, और ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ऊपर पुरानी तो सारी कोटी से आ रहा होगा। तो हे गाइस, अपने ब्लॉग में मैं फिर वापस आ गया हूँ। और यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं, एक ये यहाँ से जा रहा है, एक नीचे जाके रोड से आगे जाएगा। तो हमारी टीम के बहुत लोग थक चुके हैं, तो ये कह रहे हैं कि रोड से चलो, पर कुछ कह रहे हैं कि यहीं से चलो। तो हम जाते कहाँ से हैं वो बताता हूँ। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं फाइनली उस लोकेशन पर जहाँ मैं जाना था, और वो रही नीचे पे लोकेशन। और यहाँ ये सारे लोग थक चुके हैं, और पौड़ी वालों के यहाँ इतनी उकाल उनार नहीं होता, तो ये कुछ ज़्यादा थक गए हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। इनको ले जाना पड़ेगा, अब ये खुद नहीं जा पाएंगे। मैं यहाँ पे से देख रही हूँ तुमको, तुम यहाँ पे आते रहना, मेरे को यहाँ पे। तो गाइस नीचे मिलते हैं। तो गाइस आखिर हम पहुँच गए हैं लोकेशन पे, और यहाँ पे देखो बहुत सारी घसीरियाँ आ रखी हैं घास काटने के लिए। तो ये ना ये पिल्टो उठाने आ रखे हैं, जो कि गाय भैंसों के नीचे डालते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही डालते हैं चंबोली में, तो यहाँ भी शायद ऐसे ही डालते होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क का काम है ये इनका, देखो कैसे पहाड़ पे चढ़ रखे हैं घास के लिए। तो पहाड़ी लोगों का ये मतलब रोज़ का काम है, रोज़ का रोज़गार है। तो अभी हमको यहाँ से थोड़ी नीचे की साइड को जाना है। तो गाय अभी यहाँ पे नीचे जाना है हमें इस वाली लोकेशन पे, यहाँ पे है घट। तो आजकल गांव में घट बहुत कम देखने को मिलता है, पर यहाँ देखो अभी भी घट वगैरह में लोग जाते हैं अपने गेहूँ वगैरह पीसने के लिए। तो अभी हमें यहाँ पे जाना है, और ये सौरभ छपरी हमें ऐसे घूर रहा है। छपरी चल चल कौन छोड़ी थे। तो हम पौड़ी वालों से पूछना चाहेंगे, आपको मजा आ रहा है ए, प्यार में? उनको बहुत मजा मैंने गुराटा देखा, आप देखो तो ये बोल रहे हैं यहाँ गेहूँ पिसवाते हैं, आटा बनता है, तो एक किलो आटा घर के रह लेके जाएंगे। तो आपके यहाँ भी होता है घट में जाते हैं लोग अभी भी? कुछ नहीं होता हमारे। हाँ तो मैंने हमारे यहाँ पहले घट होता, अब हमारे यहाँ घाट होती है। घट जहाँ लोगों को फूकने के लिए ले जाते हैं दोस्तों। मतलब मैं जैसे बोल रही थी कि हर किसी के गांव में अब घट, मतलब पहले वाले ज़माने में जो था, मतलब जो हमारे दादा दादा रहे होंगे तो उनके टाइम पे होता था घट वगैरह। तो वो उनके यहाँ ना इलेक्ट्रॉनिक चक्की नहीं रहती थी, तो सब लोग ना घट पे आते थे, और घट सारे पानी से चलते ना। yes. हाँ तो घट पानी से चलता है, इसीलिए पानी वाली जगह पे रहता है। तो पहले वाले लोग जाते थे घट पे आटा वगैरह मतलब पिसवाने के लिए गेहूँ वगैरह, पर अब के लोग तो सब चक्की में मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन में पीसते हैं। तो यहाँ हमें घर देखने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि हमारी साइड भी नहीं होता है, और पौड़ी साइड भी नहीं होता, पौड़ी साइड भी नहीं होता, हमारे यहाँ होता है, इनके यहाँ भी होता है। तो जहाँ मतलब पहले कोई होंगे ना उन्हीं की जगह होगा ऐसा, पर हमने कभी देखा नहीं है। तो आज हमें बजीरा गाँव में आके ये देखने का मौका भी मिल जाएगा कि घट आखिर होता कैसे है। तो चलो चलते हैं। हमारे साथ के जो जिसका ये चैनल है वो भी बहुत नीचे पहुंच चुका है, मतलब घर के यहाँ पे पहुंचने वाला है, बना हुआ है। अभी इसका मतलब खराब नहीं चल रहा, क्योंकि टरबाइन में पानी नहीं जा रहा है। तो यहाँ देखो ऐसा होता है घट, तो यहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है, और अंदर ये देखो यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे गेहूँ डाले होंगे ऊपर से, तो उसका आटा बन के आ रहा है नीचे, ये देखो आप। ऊपर से पानी आ रहा है, और बीच में ऐसा भर्ती बन रखा है ऊपर अंदर पीसने वाला, और नीचे से देखो कितना तेज है पानी का बहाव, ये देख सकते हैं आप। और ये बजीरा गांव के बंदर आ रखे हैं यहाँ बहुत सारे,
और जिसका ये चैनल है वो वहाँ पे आराम से बैठ रहा है, तो ये देख सकते हैं भाई। तो गाइज अब मैं यहाँ पे नहाने वाला हूँ और अंडर वाटर सीन लेंगे, और मुझे ना इसका बहुत वेट था कि मैं कब पानी के अंदर जाके अपने ऐसे में, लेकिन दिक्कत ये है कि नहाऊंगा और गहरा भी है ही, तो ये मेरे अंडर वाटर सीन नहीं बना पाएंगे, तो मुझे खुद बनाना पड़ेगा। तो चलो गंगा में समाहित होने। तो ये पूरी तरह से पिकनिक स्पॉट बन गया है और देख सकते हो ये यहाँ पे घराट भी है और नहाने के लिए भी है और हिडन पैलेस कह सकते हो एक तरफ से, और यहाँ पे एक दुकान खुली है। बड़ी जी कन लगड़ो क्योंकि तुम बच्चे को पौड़ी को चमोली चलाया और तू कही घराट तो नहीं आई एन लोकेशन खुद तब बोल दो लेकर आएगी। हाँ जी हाँ सब सब। और ये हमारा मामा श्री जौनपुर से इनवाइट करते कि हमारे दुकान में आया, और आपने हमारी पुरानी मूवी में देखा होगा इन्होंने एक रोल भी किया था। मामा जी पहले तो प्रणाम, और दाऊ जी प्रणाम, ठीक चंद और भेज प्रणाम, और भाई दीपू दीपू बोले ना तू बड़ी जी घटवाड़ पे सड़ा है आपका खगा मामने का। अच्छा छोर देखी तो और मोने नयो नो बुन अच्छा एक एक करके नाके बाहर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है नाके? आंख नाक पानी बैठ गया। और प्रिया जी कैसा लग रहा है? आया कुछ मजा? गुच्छू पानी वाला मजा, शस्त्र देहरादून के शस्त्र धारा वाला मजा आया, और पिकनिक स्पॉट समझ सकते हो कितने मस्त मजा आया। अभी अब चलो खाते कुछ। दोस्तों अभी हम यहाँ नीचे जा रखे थे पूरा, यहाँ देखो ये लोग अभी नहा रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी कुछ खाने, सचिन ने ऑर्डर कराया है हमारे। और ये देखो तो ये लोग सारे अभी इनका ना इनको इतना मज़ा आ रहा है पानी में कि ये बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, और मेरे तो पूरे कानों में पानी चल गया है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। आप यहाँ देखो अभी हम नहा के ऊपर आ गए सारे, और हमें पता नहीं था कि हम यहाँ नहाएंगे इसलिए हमने कपड़े भी लेके नहीं आए दूसरे, तो ऐसे भीगे हुए कपड़ों में जाना पड़ेगा घर, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और कुछ दिया। तो आपको कैसा लगा नहा के? बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब बहुत ठंड हो रही है बाहर आके। पहले भी नहा रखा मैं सिंगल दिन नहीं, मैं भी कभी नहीं नहा, पहली बार नहाई भाई मैं भी पहली बार, एक बार छोटे बचपन में नहाई थी नानी के गाँव, तो उसके बाद से अभी पहली बार नहाए सिंगल दिन और बहुत ज़्यादा मज़ा आए गाइस। और इस बार हमने ऐसे मुंडी नीचे भी डुबाई पानी के नीचे, वो भी क्लीन अगर बनी होगी तो, अगर अच्छी आई होगी तो डालेंगे। और ये देखो ये साथी लोग अभी भी मज़े ले रहे हैं फुल पानी के, और इनकी रील यहाँ भी नहीं छूट रही है, रील बनाते जा रहे हैं। और लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, देहरादून की जो सहज धारा है उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ। और अभी यहाँ पे हमने चाय बनाने के लिए बोला है दादाजी लोगों को। तो आपको कैसा लगा नहा के? फील गुड एंड कूल। गोरे हो गए हैं हमारे DOP और हमारे राइटर जो मूवी बनाते हैं। और तो गाइस यहाँ घर पे आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और नहा के तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ये मज़ा घर में नहीं आता है। तो गाइस ठंड में तो दुकान था जाने, तो गाइस इनका स्नान अभी चल ही रहा है, तो अभी हमने यहाँ पे मंगा रखी है गरम गरम चाय, तो नहाने के बाद गरम गरम चाय का आनंद लेते हुए ये देखो ये मर गई से ऐसे डोल टूट गया अली वहाँ से मैं। तो दोस्तों अभी हम घर से जा रहे हैं घर की तरफ को, और इधर बहुत मज़ा आया। दोस्तों तो यहाँ पे हमारे
डायरेक्टर साहब का हाथ चम हो गया है यहाँ देखो, तो अभी सौरभ सही करेगा उस हाथ को, इसका हाथ भी हुआ सही बात चम इसलिए तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ को, यहाँ हमने बहुत मज़ा किया और ये दिन बहुत याद आएंगे।